हेलो एंड वेलकम इन टुडे सेशन. आज है 13th of March 2020. स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर और मैं हूं आपकी मेंटर अभिदर्शी. ठीक है, तो अब स्क्रीन पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो क्वेश्चन क्या है. हु लॉन्च अ टूल टू डेवलप टू हेल्प डेवलपर्स मेक वेबसाइट मोर कलर ब्लाइंड फ्रेंडली. यानी यहाँ पे किसने हेल्प की है डेवलपर्स को ताकि जो वेबसाइट है वो क्या हो जाए, ज्यादा कलरफुल हो सके. तो ऑप्शन है आपके बीम, बैदू, यानडेक्स एंड गूगल. सो राइट आंसर इज व्हाट? गूगल. सो गूगल इज द सर्च इंजन. इन्होंने क्या किया है, हेल्प की है डेवलपर्स को ताकि जो वेबसाइट है थोड़ी सी और मोर कलरफुल हो पाए, ताकि जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी क्या हो जाए, एक्सेस करने में थोड़ा सा आसान हो जाए. ठीक है, अब आते हैं अगली करंट अफेयर की तरफ. तो देखिए अगला जो करंट अफेयर है कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र अप्रूव रीनेमिंग विच टर्मिनल स्टेशन एज नाना शंकर सेठ टर्मिनस स्टेशन. यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किस सेंट्रल स्टेशन को क्या किया है, उसका नाम पलट के रखने की सोची है. तो ऑप्शन क्या है, बांद्रा टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और मुंबई सेंट्रल टर्मिनस. तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, मुंबई सेंट्रल टर्मिनस. इनका नाम पलट के क्या होने वाला है, अभी इनका नाम हो जाएगा नाना शंकर सेठ टर्मिनस स्टेशन. अब ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो नाम पलट के रखने की सोच है, इसके पहले भी दो स्टेशन के नाम इन्होंने चेंज कर चुके हैं. अब देखिए अगर थोड़ा सा देखें हम जगन्नाथ शंकर सेठ के बारे में, ये नाना शंकर सेठ के बारे में, तो ये पैदा हुए थे 10th February 1803 में मुंबई में पैदा हुए थे. और ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज फर्स्ट रेलवे कंपनी. इनफैक्ट ही वॉज द फाउंडर, ही वॉज द को फाउंडर अलॉन्ग विद सर जमशेद जी टाटा जेजू भॉय. He founded what? Indian Railway Association in 1845. And he also the director of, he was the 10th director of the Great Indian Peninsula Railways. And also he founded the Bombay Association. He was the first political organization in Bombay Presidency. And he died on 31st of July 1865. तो आपको पता होगा कि ये बहुत बड़े क्या थे, reliable businessman थे. और ये बहुत बड़े फिलान्थ्रोपिस्ट भी थे, एजुकेशनिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया है, बहुत सारी संस्था का स्थापित किया है. तो इन्हीं के नाम पर पलट के रखने वाले हैं बॉम्बे सेंट्रल का नाम. अगली करंट अफेयर आपके स्क्रीन पे है. एरिक हॉर्विट्स अपॉइंटेड एज सीएसओ ऑफ विच कंपनी. तो यहाँ पे एरिक हॉर्विट जो है, ये क्वेश्चन आपके अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है. तो ये किस कंपनी के सीएसओ बने हैं, तो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, बायजूस है, एप्पल है. तो ऑप्शन क्या है, इसका सही आंसर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के बने हैं एरिक हॉर्विट सीएसओ. अब गूगल के जो सीईओ है वो है सुंदर पिचाई. अब इसकी जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी, वो है अल्फाबेट. अल्फाबेट में कौन है, सर्जे ब्रिन एंड लेरी पेज है. ठीक है, लेकिन गूगल के कौन है, सुंदर पिचाई है. बायजूस के जो दो यंगस्टर्स हैं, इनका दोनों का नाम जो है वो आ चुका है यहाँ पे यंग एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में. एप्पल में कौन है, टिम कुक है. अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे. अब देखिए यहाँ पे सेंटर टू डिस्ट्रीब्यूट 45-PDS टू कप माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए, कुपोषण में कमी लाने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू किस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, थ्रू फोर्टिफिकेशन. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, राइस, बेरली, लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स. लेग्यूम्स एंड लेंटिल्स क्या होती है, दालें होती है, तुअर दाल और मसूर दाल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स बोलते हैं. बेरली क्या होता है, ज्वार होता है. राइस क्या होता है, चावल. तो इसका सही जो आंसर है, वो आंसर क्या है इसका, वो है राइस. अब राइस को फोर्टिफिकेशन के थ्रू क्या किया जा रहा है, पीडीएस के अंडर लाया जा रहा है. अब ये माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है, ये इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसके जो मिनिस्टर है वो कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे. अब देखिए ये जो स्कीम है ये 3 सालों के लिए है. शुरुआत कहां से हो रही है, इसकी 2019 और 2020 से हो रही है. अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो पायलट बेसिस पर शुरू होगी. अब देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों का इनिशिएटिव होगा, दोनों के अपने अपने रेशो होंगे. पूरी तरह से 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं होगा, क्योंकि ये स्कीम कहाँ लागू होने वाली है, स्टेट्स में होगी, तो स्टेट को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. अब ये जो स्कीम है वो किसके लिए है, ये कब करेगा माल न्यूट्रिशन को, यानी माल न्यूट्रिशन में क्या लेकर आएगा, थोड़ी सी कमी लेकर आएगा ये, ताकि यहाँ पे जो माल न्यूट्रिशन है वो थोड़ा सा कम हो सके, जो लोग कुपोषण के शिकार हो रहे हैं वो कुपोषण ना हो पाए. अब यहाँ पे जो टोटल बजट आउटले है वो कितना है, 174.64 करोड़, यानी 174 करोड़ 14 लाख का जो है टोटल बजट आउटले रखा गया है. अब देखिए यहाँ पे जो रेशो है इनके स्पॉन्सर का वो कितना है, फंडिंग रेशो कितना दिया गया है, 9:10 है, लेकिन ये किसके लिए है, नॉर्थ ईस्टर्न हिली
हिली स्टेट्स एंड आइलैंड स्टेट्स के लिए है, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, उत्तराखंड है, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट के जो सारे स्टेट हैं आपके 8 के 8 स्टेट, उनमें कितना रेशो है 9:10? नहीं, 9 कौन देगा यहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट, 10 कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगी, बिकॉज यहाँ पे इनकम के सोर्सेस थोड़े से कम होते हैं गवर्नमेंट के पास। अब देखिए यहाँ पे 75 से 25 किसके लिए है? नॉर्मल स्टेट्स के लिए है, यदि महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, ऐसे जो स्टेट हो कितना देने वाले हैं 25, 75 कौन देगा उनको? स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। अब ये स्कीम जो है पायलट स्कीम है, फोकस कहाँ करेगी? 15 डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट पर, ये याद रखना है, ये मेन पॉइंट है इसका। हर स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट पे होने वाला है? ये 15। अब फिलहाल जो इंप्लीमेंट होने वाला है कितने राज्यों में होने वाला है? 15 स्टेट में होगा, 15 स्टेट 15 डिस्ट्रिक्ट, यानी ईच स्टेट विल बी हैविंग 15 डिस्ट्रिक्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। अब यहाँ पे कौन कौन सा स्टेट है? देखिए आंध्र प्रदेश है, केरला है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, आसाम है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, उत्तराखंड एंड मध्य प्रदेश है, जहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट होने वाली है। लेकिन बात अगर होती है महाराष्ट्र एंड गुजरात की, तो यहाँ पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है फ्रॉम फरवरी 2020। तो यहाँ पे मेन बात क्या है आपका? रेशो का जो फंडिंग रेशो है 9:10 फॉर हिली आइलैंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, 75:25 फॉर द नॉर्मल स्टेट, 15 डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, इसके जो मेन फैक्ट्स हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए अगला जो करंट अफेयर है वो किसे है? वो एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स है। एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020, इंडिया अटेन विच रैंक? इंडिया को कौन सा रैंक मिला है? देखिए जो रैंकिंग थी वो ए से लेके जी तक हुई है। अब इंडिया को जो रैंक मिला है वो मिला है रैंक सी। अब सी रैंक मिला है मतलब इंडिया और भी अच्छा कर सकता था, लेकिन उतना नहीं कर पाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिया को सी रैंक मिला है। अब एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 जो रिलीज हुई है, इसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इसके साथ और भी कितनी और भी 4 कंट्रीज हैं जो सी रैंक में है, जैसे स्पेन है, न्यूजीलैंड है, फ्रांस है, मेक्सिको है, इनको भी सी रैंक मिला है। अब अगर थोड़ा सा फैक्ट्स देख ले इंडिया के, तो देखिए इंडिया ने बैन किया था यूज ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ऑफ ऑन एनिमल्स इन 2013। यानी एनिमल से बनने वाले जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं इनको इंडिया में बैन कर दिया गया। जैसे जितने भी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं कॉस्मेटिक में, उनमें जो भी ऑयल यूज किया जाता है, जो भी होता है, वो जनरली क्या होता है, वो बहुत सारे एनिमल से ही लिया जाता है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन इंडिया ने 2013 में ही कर दिया था। इनफैक्ट जो कॉस्मेटिक बन के पहले टेस्ट किए जाते हैं एनिमल्स पे, उनको भी बैन किया गया था। देखिए यहाँ पे एशिया टू बैन द इंपोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट दैट वेर टेस्टेड ऑन एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स पे टेस्ट करके हमको मिलता है वो भी जो प्रोडक्ट हम लोग ने 2014 में ही बैन कर दिया था। इनफैक्ट इन मार्च 2017 उत्तराखंड हाई कोर्ट क्या था, इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट लिविंग एंटिटी ऑफ इंडिया टू द रिवर गंगा, यानी रिवर गंगा को लिविंग एंटिटी का दर्जा दे दिया था उत्तराखंड हाई कोर्ट ने। और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2018 जुलाई में भी क्या किया था, यहाँ पे लीगल पर्सन, स्टेटस ऑफ लीगल पर्सन या फिर लीगल एंटिटी का जो है वो खिताब दिया था एनिमल्स को, यानी एनिमल्स के पास भी अपने खुद के राइट्स हैं, अगर कोई इनको परेशान करता है या हानि पहुंचाता तो वो भी आईपीसी के अंदर आ जाएगा। और साथ में पंजाब और हरियाणा भी वो स्टेट है जिन्होंने क्या किया था, जानवरों को लीगल एंटिटी का दर्जा दिया हुआ है। अब वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन जो है ये कब स्टैब्लिश हुई थी, 1981 में, और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में, और वो कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली करंट अफेयर स्क्रीन पर है, इन ऑर्डर टू बूस्ट एग्रीकल्चर विच स्टेट हैज साइन लोन अग्रीमेंट ऑफ रुपी ऑफ $80 मिलियन विद वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के साथ $80 मिलियन का जो लोन अग्रीमेंट साइन किया है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, वो किस स्टेट का इनिशिएटिव है? तो आंसर क्या है यहाँ पे, महाराष्ट्र, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश ने इतना बड़ा इनिशिएटिव इसलिए लिया है बिकॉज हिमाचल प्रदेश क्या है, एक हिली स्टेट है, यहाँ पे जो रिस्क है वो थोड़े से ज्यादा है, क्या जुड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर ग्राउंड मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता। तो यहाँ पे फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए अगर वाटर मैनेजमेंट को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए ताकि वहां पे इरिगेशन प्रॉपर हो पाए, तो ये क्या होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के लिए, बिकॉज ये क्या है, सेंसिटिव जोन में आ जाता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, हिल्स बहुत ज्यादा है, माउंटेन्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो प्रोजेक्ट का सोर्स स्टेबिलिटी हिमाचल प्रदेश में, ये इम्प्लीमेंट होगा 428 ग्राम पंचायत में, जो कि कहाँ है, 10 डिस्ट्रिक्ट में, 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 428 ग्राम पंचायत में इम्प्लीमेंट होगा। लगभग 400,000 स्मॉल फार्मर्स, वुमेन्स एंड रूरल कम्युनिटीज को इसका क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। तो याद रखेंगे $80 मिलियन विद वर्ल्ड बैंक हिमाचल प्रदेश फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, ये इतना ध्यान रखेंगे। तो आज की करंट अफेयर मैं यही खत्म करती हूँ। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो आप लोग अगर थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग को भी ऐसा लगेगा कि नहीं और कुछ करना चाहिए आपके लिए, आपके SBI PO के लिए, LIC AO के लिए। सो उम्मीद करूंगी कि सभी लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।